मित्रों, आज का हमारा विषय है एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन के तत्व, लेखन के अवयव। लेखन, जैसा कि मैंने बताया था, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम किसी बात को समझते हैं, परखते हैं और उसको अगर हम लिख लेते हैं तो परमानेंटली हमारा हो जाता है। लेखन का इतना महत्व है। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वाचार्य हुए, आयुर्वेदाचार्य हुए, इन लोगों के बहुत ज्ञान थे, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं। यहाँ तक कि भगवत गीता को लिखा नहीं गया, कथा के रूप में कहा गया, भगवत कथा कहते हैं। फिर बहुत बाद में इसको लिखा गया, तब तक में चीज़ें बहुत पलट गई। तो पहले के जो हमारे पूर्वाचार्य, वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य जो थे, वो लिखते नहीं थे, ठीक है। वो अपनी अगली पीढ़ी को बोल कर समझा देते थे, फिर उसमें कई चीज़ वो भूल जाते थे, कई चीज़ गलत समझ जाते थे। फिर इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारी जो प्राचीन बौद्ध वैदिक ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, इवन कि होम्योपैथिक के ज्ञान, बहुत से ज्ञान, प्राचीन वैज्ञानिक जो हमारे ज्ञान थे, एंशियंट इंडियन साइंस, वो सब लुप्त हो गए और हम काफ़ी पिछड़ गए। फिर लिखने से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी को लाभ होता है। आप मार्केट में भी जाते हो और आपको कोई सामान खरीदना है और आप 10 आइटम का लिस्ट बना लेते हो तो आपको सरलता होती। एक भी भूल गए तो क्या होगा, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। और आपने लिस्ट लिख लिया तो काम सरल हो जाता। लोग छोटी सी डायरी में रखते लिखते। इसलिए लेखन का बहुत महत्व है, जिसकी पहले भी हमने चर्चा की। आज मैं सीधा चर्चा करूंगा कि लेखन के तत्व क्या। लेखन के तत्वों में सबसे पहले आता है आइडिया, आइडिया जनरेशन, विचारोत्पत्ति। हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है, ठीक है। कभी कभी तो सीधा हेडलाइन ही दिमाग में आ जाता है, लेकिन हम हेडलाइन बाद में बनाते हैं। सबसे पहले हमारे को लिखना क्या है। मान लो हमें उच्चतर शिक्षा की समस्याओं पर लिखना है, मान लो हमें कोई महिलाओं की समस्या पर लिखना है। लेखक अपनी रुचि देखता है, अपनी पृष्ठभूमि देखता है, उसको जिस चीज़ में लिखने में वो ज़्यादा अपने आप को विशेषज्ञ और सहज महसूस करता है उसको लेता है। लेकिन आप जब किसी अखबार में, किसी पत्रिका में नौकरी करते हैं तो कई बार एडिटर जो लिखने कहता है वो भी लिखना पड़ता है, चाहे आपको वो विषय पसंद हो या ना हो। लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक, एक आइडिया जनरेट करते हैं कि किस चीज़ पर लिखना है, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, जैसा कि इस पेपर का नाम है, तो क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक भी क्रिएटिव होंगे, ठीक है ना। उसके टॉपिक भी क्रिएटिव होंगे। उच्चतर शिक्षा का बदलता स्वरूप, उच्चतर शिक्षा की ह्रास होती गुणवत्ता या बढ़ती गुणवत्ता, या गुणवत्ता में परिवर्तन, या पढ़ने की छात्रों की शैली में परिवर्तन, है ना। अब छात्रों का अलग रूप स्वरूप है, वो मोबाइल की दुनिया में चले गए हैं तो उनको क्लासरूम से ज़्यादा मोबाइल ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग भी मोबाइल में आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपके ड्राइंग रूम में पहुँच जाएँ और आपके साथ संवाद करें। अब ये बदलता स्वरूप है, इसमें बड़े अच्छे क्रिएटिव हेडलाइंस बना करके आप इस पर भी लिख सकते हैं। क्योंकि पत्रकारिता के लोग तो जो समाज से जुड़ी समस्या है, जिससे हम नित्य दिन जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वैसे विषय को लोगे तो आपको ज़्यादा उसका छपने की भी संभावना होती है और ज़्यादा उसकी महत्ता भी होती है। कोई बहुत पुराना सा टॉपिक ले लिया, कभी ऐतिहासिक विषय भी महत्वपूर्ण होता है, ओकेजन क्या है, रामायण, महाभारत और वेदा, वैदिक साइंस, विज्ञान, ये सब के भी विषय लिए जाते हैं। दूसरे भी विषय हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं की समस्या है, बच्चों की समस्या है, महिलाओं की, बुजुर्गों की, समाज की, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक, आध्यात्मिक, बहुत सी समस्या, जिसमें आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्शन ऑफ टॉपिक करेंगे। मान लो क्रिएटिव राइटिंग है तो क्रिएटिव टॉपिक होगा, फीचर राइटिंग है तो फीचर जैसा टॉपिक होगा, आर्टिकल राइटिंग है तो आर्टिकल जैसा टॉपिक होगा, ठीक है। उसकी टॉपिक, उसकी हेडलाइन भी क्रिएटिव राइटिंग है तो हेडलाइन भी क्रिएटिव होगी,
अंदर क्रिएटिविटी तो तभी आएगा ना जब आपका शीर्षक भी क्रिएटिव, लुभावना, आकर्षक, मनमोहक और सृजनात्मक, रचनात्मक होना चाहिए। और मैकेनिकल हेडलाइन है, बहुत सीरियस टॉपिक है, लाइक लैंड रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब जो सीरियस टॉपिक है ये ज़्यादा आर्टिकल लिखे जाते हैं। एडिट पेज पर देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं और फीचर के बड़े आकर्षक से टॉपिक होते हैं जो आप देखते हैं सैटरडे टाइम्स, संडे टाइम्स, एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें ज़्यादातर सैटरडे संडे, किसी किसी हिंदी के अखबार में वेडनेसडे को भी रस रंग और नभरंग जैसे फीचर पेज आते हैं। ठीक है, तो खैर, तो आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर हम उस टॉपिक पर कलेक्शन करेंगे, ये अगला एलिमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। जिस चीज़ पर आपको लिखना है आप उसकी हिस्ट्री से शुरू करो, ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर उसका ग्रोथ कहाँ से हुआ, एक बार डाटा कलेक्ट कर लो। आपको हिस्ट्री लिखना है कि नहीं लिखना है ये बाद का है, हो सकता है कि आपको लेख 700 शब्दों में, 550 शब्दों में, 750 शब्दों में लिखना हो तो आप बहुत सी चीज़ बाद में कट भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आप राइट फ्रॉम हिस्ट्री उसको कलेक्ट कीजिए। आजकल तो कलेक्शन बहुत ईजी है, अगर आप गूगलिंग करते हैं या आप दूसरे बहुत ईजिली अवेलेबल साइट्स पर जाते हैं तो बहुत सा मटेरियल तुरंत आपने किसी फोल्डर में रख लेते हैं, या लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको उसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर के, मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो कब पहली पॉलिसी आई, कब दूसरी आई, कब तीसरी आई, कब संशोधन, ये सब जानना चाहिए, तब आपका पूरा कमांड होगा, तब आप उसमें एक सृजनात्मकता दे पाओगे, क्या परिवर्तन हुआ या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका हेडिंग हो जाएगा ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ठीक है, मान लो आपको लगता है कि कोई भी चेंज नहीं है तो आप लिख देते ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, खाली बॉटल बदल गया, वाइन वही, बड़ा अच्छा शीर्षक है। ये ऐसे सोचना पड़ता है और सारे पढ़ा रहोगे तब, सारा पढ़ा रहेगा तब आप ये कर पाओगे। आपको पता ही नहीं तो आपको लगा नहीं भाई परिवर्तन बहुत है, आपको बहुत परिवर्तन लग रहा है तो आप उसके हिसाब से, नई शिक्षा नीति एक नए सवेरे की शुरुआत है ना, ऐसे भी शीर्षक आए नए सवेरे की शुरुआत, तो आप उसकी हेडलाइंस मतलब उसकी टॉपिक डिसाइड करना हो, फिर आपको मिल गया कि अब इस पर लिखना है कि नए सवेरे की शुरुआत, तो फिर क्या क्या नया है। कई बार अंग्रेजी में देखोगे हाउ न्यू इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, किसी चीज़ को हम नया तो कह देते हैं, कितना न्यू है, 100% न्यू नहीं होता, बहुत सी चीज़ ओल्ड ही होता है, लेकिन क्या क्या नया है, कुछ तो नया है तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, तो आप फिर डाटा उस पर कलेक्ट करेंगे मटेरियल, फिर आप उसकी सिलेक्शन, मैंने पहले भी बताया था कलेक्शन के बाद सिलेक्शन, कलेक्शन के बाद गेट कीपिंग होती है, गेट कीपिंग कहते हैं इसको, जर्नलिज्म में शब्द है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का मतलब कुछ सेलेक्ट हुआ, कुछ रिजेक्ट हुआ, कुछ पेंडिंग हुआ, रिजेक्टेड को एकदम अलग कर दो, सेलेक्टेड को एक तरफ रखो, और कुछ डाउटफुल है कि इसको ले कि ना ले उसको भी रखो, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए यू नेवर नो, उसको कहते हैं स्पाइकिंग, स्पाइक कर दिया। उसके बाद फाइनल हेडलाइन तैयार करते हैं, ठीक है, अभी दिमाग में चल रहा था हाउ न्यू इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नए सवेरे की शुरुआत और ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ठीक है, युवाओं का भटकता, कोई भी शीर्षक है, युवाओं का की दिशाहीनता, चुनौती, समस्या व समाधान, कोई भी शीर्षक आप पहले उसको एक बना लेते हैं मोटा मोटी कि ये हमारा अब हेडलाइन होगा। कभी 2-3 हेडलाइन आप बना लिए तो सबको रखे रहिए, मान लीजिए 2 अच्छे हेडलाइन बना लिए तो ये नहीं कि एक को फेंक ही दिया, उसको भी रखिए, कहीं सब हेडलाइन का काम करेगा, सबऑर्डिनेट हेडलाइन का काम करेगा, क्योंकि जो आपने सोच के अपनी आइडिया की, जो आपके विचार की उत्पत्ति है उसको रखना चाहिए। कभी आपका आर्टिकल जाने में देर हो जाए तो आप उस समय के समस्या से उसको जोड़ दे सकते, जैसे एक बार मैंने बजट पर आर्टिकल लिखा था वो थोड़ा लेट हो गया, फिर वो छपा नहीं, तो फिर हमने होली का समय आने लगा तो मैंने उसको लिख दिया प्रणब के बजट से होली के रंग में भंग,
खाली शीर्षक बदल दिया, पट्टाक से छप गया, थोड़ा सा होली से जोड़ दिया एक पैराग्राफ, अब बाकी चीज वही था और वो आर्टिकल छप गया। तो अखबार को बड़ा कैची हेडिंग, कैची इंट्रो चाहिए और बेसिक चीज भी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे भेजने में, तो आपके पास दूसरे हेडिंग हैं उसको भी रखिए, और आगे अगर आपका जाते जाते कोई ऐसा चीज़ आ जाए उसे जोड़ना पड़ जाए तो वो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक्चुअल प्रेजेंटेशन होता है। किसी भी राइटिंग में तीन चीज होता है, हेड बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। हेड बॉडी एंड कंक्लूजन, जैसे मेरा शरीर है तो ये हेड हो गया, ये मेरा बॉडी हो गया, पैर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंक्लूजन, पैर से ही तो चलते हैं, जूता, बहुत लोग बड़ा अच्छा जूता पहनते हैं, बहुत लोगों की नज़र जाती है जूता पर। कहने का मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, हेड बॉडी एंड कंक्लूजन। नॉर्मली किसी भी राइटिंग में तीन चीज होता है, बॉडी के आप दो चार पार्ट कर दो वो अलग है, लेकिन हेडलाइन बॉडी और जोड़ना चाहो हेडलाइन इंट्रो, इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन, तीन चीज होता है। और जैसे समाचार लेखन है तो उसमें कंक्लूजन हम नहीं देते, ठीक है, इट इज लेफ्ट टू द ऑडियंस टू डिसाइड। वी रिफ्लेक्ट द प्रॉब्लम्स, हम समस्याओं को प्रावर्तित कर देते हैं समाचार, और पाठक खुद तय करेगा कि क्या निचोड़ निकला। पाठक को हम ज्यादा निचोड़ नहीं देते, कहीं कंक्लूजन होता ही नहीं है, वो अपवादी स्थिति है। लेकिन सामान्यतः किसी भी लेखन में हेडलाइन इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन होता है, खास करके हम लेख की बात कर रहे हैं, आलेख की बात कर रहे हैं, अग्रलेख की बात कर रहे हैं, फीचर की बात कर रहे हैं, व्यूज, रिव्यूज, इंटरव्यूज, प्रीव्यूज, आर्टिकल, एडिटोरियल, इस सब में कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन कहीं नहीं होता तो एक्सेप्शनल सिचुएशन, यहाँ तक कि इंटरप्रेटेड न्यूज में भी इनडायरेक्टली कंक्लूजन होता है। तो प्रेजेंटेशन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले राइटिंग में वर्ड्स, शब्द की महत्ता, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, आपके पास स्ट्रांग वर्ड्स पावर होना चाहिए। तो इसलिए वर्ड्स को कहा गया सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विथ ए सिंगल स्टेप, जो एक कदम चल सकता है वो 1000 कदम चल सकता है। तो उसी तरह लिखने में क्या है, शब्दों से लेखन होता है, शब्द को जोड़कर वाक्य बनता है, वाक्यों को जोड़कर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को जोड़कर हमारा पूरा राइटअप तैयार होता है। तो वर्ड्स आर लाइक ब्रिक इन द हाउस, वर्ड्स आर सो इंपॉर्टेंट। मकान में जो काम ईंट करता है वही शब्द करते हैं लेखन में। वर्ड्स आर लाइक फ्लावर इन द गार्लैंड, फूल जो काम माला में करता है वही काम लेखन में शब्द करते हैं, ठीक है। आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स है तो आप बहुत अच्छा माला बना सकते हो, ठीक है। वैरायटी ऑफ आपके पास ब्रिक्स है, मार्बल भी है, मोजैक भी है और रेड ईटा भी है, तो आप बहुत सुंदर मकान बना सकते हो, ठीक है। आपके पास वर्ड्स को कलर से भी तुलना कर, वैरायटी ऑफ कलर्स है तो बहुत अच्छा रंगोली बना सकते हो। तो वर्ड्स का स्टॉक बहुत जरूरी है राइटिंग में। यू हैव टू लव द वर्ड्स, नया शब्द दिखे तो उसको सीखो, कोई बोले तो उसको कैच करो, उसको लिखो, नोट डाउन करो, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। डॉग का मतलब कुत्ता भी होता है, डॉग का मतलब फॉलो करना भी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, इसके कई अर्थ होते हैं। हैव को हम लोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और हैव का मतलब टू टेक, टू गेट, टू नो होता है ना, अलग अलग होता है। हैव, आई वांट टू हैव इट, मतलब आई वांट टू गेट इट। तो ये अंग्रेजी का एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसी तरह हिंदी के हैं। तो वी हैव टू लर्न वर्ड्स, लॉट ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, रॉजर थेजारस एक बहुत अच्छा है जिसको कहते हैं वर्ड पावर, उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। किसी ने देखा है रॉजर थेजारस, खरीदना चाहिए, रॉजर थेजारस लाइब्रेरी में है, हमने खरीदा था, आप भी खरीदी रखी, ठीक है, ऑनलाइन का जमाना है लेकिन होना चाहिए, ऑनलाइन पर ही देख के देखो आप कभी। एक वर्ड्स के अनेक शब्द लिखे, एक वर्ड 50 other words रिलेटेड वर्ड्स, जिसको उससे आप रिप्लेस कर सकते हो, कहीं पर नहीं भी कर सकते हो,
ठीक है। तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए रॉजर्ट थेजारस बहुत तगड़ा चीज, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक और है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये हर शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है उसको कहानी के रूप में इसने बताया है, और वो कहानी समझ गए राजा रानी वाली तो शब्द तुम्हारे दिमाग के अंदर, फिर आप उसको नचा के जैसे चाहो उससे नए नए शब्द निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन, लाल लाल कवर है उसकी, और आपको अपने यहाँ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सभी दुकानों में मिलता है, इतना फेमस बुक है ये, ठीक है। ऑनलाइन भी देख सकते हो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन एंड लुइस। एक वर्ड पावर बाय बिल्फर फ्रंक भी है, वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन कम से कम आपको वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, रॉजर थेजारस, अगर आप अंग्रेजी का लेखन कर रहे हैं तो एडवांस लर्नर डिक्शनरी मेरे हिसाब से अभी भी बेस्ट है। हॉर्नबाई की जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है बहुत अच्छी है, हिंदी में भार्गव की है, भार्गव की सबसे अच्छी डिक्शनरी है। तो हमें वर्ड पावर के लिए शब्दकोश होना चाहिए मेरे पास। किसके किसके घर में डिक्शनरी है हाथ उठाओ, ऑक्सफोर्ड, चैम्बर, बेबस्टर, ठीक है, ये सब डिक्शनरी बड़े नामी रहे हैं, इसके एक एक शब्द को कोट किया जाता है हिंदी में भार्गव। तो हमारे पास डिक्शनरी होना चाहिए। फिर एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए, पर्यायवाची शब्दों के लिए हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक हैं। तो कहने का मतलब है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का हमको नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी उल्टे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसमें नॉट लगा के उसको और पावरफुल कर दिया जाता है, ठीक है। कोई कह रहे इज नॉट, oh is not ugly, is really beautiful, अब वहां पर आपको अगली शब्द का जरूरत पड़ गया, किसी ने अगली कह दिया, रिवर्स वर्ड को भी यूज करना पड़ता है। इसलिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स, फिर बहुत सारे फ्रेज हमको आने चाहिए, फ्रेजेस अंग्रेजी के हिंदी के, ये बड़े कमाल के शब्द हैं जो बड़े अनोखे तरीके से इस्तेमाल होते हैं। आई वॉज टेकन ए बैक Seeing the tiger, बाघ को देखकर मैं घबरा सा गया। अभी सब ऐसे ऐसे बहुत से फ्रेज हैं। look up the dictionary, look into the matter, look down upon, don't look down upon the poor। अभी ऐसे verbal phrase है। उसी तरह adjective से बहुत से phrase बने हैं, adverb से बहुत से phrase बने हैं, noun से pronoun से बहुत से phrase बने, ins and outs। I know the ins and outs of this boy, ठीक है, मैं इसका अंदर बाहर जानता हूं, उदाहरण दे रहा हूं, ins and outs, है ना, six at sixes and sevens, everything in his room was at sixes and sevens, सारे सामान उसके कमरे में बिखरे थे तो आपने 6-7 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्रिएटिव राइटिंग में खास करके बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। There are lot of words, lot of phrases, lot of proverbs, coming events cast their shadows before, little learning is a dangerous thing, kai writer likhta hai, I have very little learning about this but which is neither dangerous nor useful but interesting, aur little learning is a dangerous thing par ye ghumavdar para taiyar kar diya। Khushwant Singh ko dekhe, Shobha Day ko dekhe, विक्रम सेठ को देखें, आर के नारायण को देखें, कितना लैंग्वेज में इनके फ्लेक्सिबिलिटी है और कितना अच्छा क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ठीक है। और भी बहुत से हैं, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे आपसे। तो वर्ड्स हो गया, ठीक है, वर्ड्स, शब्दों की महिमा, शब्दों की गरिमा, शब्दों की प्रस्तुति, शब्दों का चयन, शब्दों का आयोजन लेखन में बहुत महत्व है। शब्दों को तो ही आयोजित करते हैं, यू ऑर्गेनाइज वर्ड्स, You manage words, you arrange words and make a good writer, ठीक है। उसके बाद proverbs, quotations याद होना चाहिए, writing के elements में quotations आते हैं। You should have a stock of quotations, हिंदी, English, संस्कृत, इसके quotations होने चाहिए आपके पास, तब आप लेखन कर सकते हैं। संस्कृत के quotations कई बार बड़े मौलिक, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेजी के कई कोटेशंस हैं, ऐसा नहीं कि हम हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी के भी कोटेशंस, हिंदी के कोटेशंस,
अलग भाषा में लिख रहे फिर भी आपको लगता है कि वो कोटेशन बहुत अच्छा है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अब अंग्रेजी के लेखों में भी आजकल इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी के जो मुहावरा है उससे ज़्यादा हिंदी के मुहावरा वहाँ पर प्रभावी, और इंडियन ऑडियंस बेशक अंग्रेजी पढ़ता है लेकिन हिंदी तो साउथ में भी जानते हैं लोग, काफ़ी समझते हैं।